एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शुक्रवार को शांति सद्भावना समिति के सदस्यों के साथ एनेक्सी भवन के सभागार में बैठक की। इस दौरान एडीएम सिटी ने कहा कि 10 जुलाई को बकरीद का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएं और कुर्बानी देते समय खून को नाली में ना बहाएं, क्योंकि कुछ लोगों को इससे दिक्कत होती है। इसीलिए कुर्बानी देते समय खून को किसी गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 14 जुलाई से श्रावण प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए सभी मंदिरों की साफ सफाई कराई जा रही है, सड़कों को ठीक करवाया जा रहा है, सभी बिजली के नीचे लटके तारों को ऊपर करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा यदि किसी को किसी तरह की समस्या होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे, उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह, सीओ गोरखनाथ रत्नेश कुमार सिंह, सीओ कैंट श्याम देवबिंद, सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, गोरखनाथ थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा 26 जुलाई को गांव का शिवरात्रि ये त्यौहार पड़ेगा। इन सभी त्यौहारों को लेकर आज एक मीटिंग आप लोगों की बुलाई गई है, आज भी लोग उपस्थित हैं। मैं सिंह साहब ऊपर आ जाइए, लड़काई महोदय और महोदय को आना था, किंतु मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम करने वाला है तो लेकर तैयारी कर रहे हैं। उनको ये डॉक्टर आप यहाँ तो संकट बताया गया है कि थोड़ी देर संकट करने आदि उद्देश्य आप लोग करिए, अगर समय से मुक्त हो जाते हो वहाँ से तो आएंगे, अन्यथा फिर हम लोग करेंगे। तो बकरीद और सावन महीने के त्यौहार को लेकर जो तैयारी बैठक हमारी है उसको लेकर आगे आप बुलाया गया है। तो मैं पहले आप ही लोगों से शुरुआत करूँगा टेक्निकली की तरफ कि आप लोग अपने चुनाव अगले त्यौहार और सावन महीने के त्यौहार को लेकर आएंगे, और यहाँ पर नगर निगम से अपने पंचायत चुनाव भी आए हुए हैं अपन साहब ऊपर आ जाओ, और इसके अलावा पुलिस विभाग से हमारे साथी एस पी सिटी साहब, एस पी नाथ साहब, एस पी साहब, अपन पंचायत साहब, सी एम ओ साहब, अन्य सभी हमारे शहर के मजिस्ट्रेटगण, सी ओ साहब सभी उपस्थित हैं। तो मैं पहले आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग अपने चुनाव का वो मीटिंग ले रहे हैं और मैं स्वागत करना, मैं पहले चाहूँगा आप ये आपने अच्छी चीज़ देखी, मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कहूँगा पहले अपना परिचय दें। सिटी मजिस्ट्रेट साहब दर्शकों मेरा नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिंह, यहाँ नया सिटी मजिस्ट्रेट मैंने ज्वाइन किया है। मैं आगरा जनपद से आ रहा हूँ और मैंने इससे पहले रायबरेली, बनारस, जौनपुर और आगरा में अपनी एडीएम सेवा दी। धन्यवाद। यहाँ पर जो भी कानून व्यवस्था होगी और बेहतर होगी। मैं तो चाह रहा था कि ये हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब हैं वो भी यहाँ पर होते और अच्छा होता, अच्छी बातें होती, डीएम साहब होते, लेकिन वो शायद किसी काम की वजह से बिजी हो गया, नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी हम अपनी बातें जो भी बातें हैं वो आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। सबसे पहले सर, यहाँ पर जो यहाँ की तहजीब है, हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं यहाँ पर, सब लोग बहुत ही मिलजुल के रहते हैं, कहीं पर भी इस तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हर वर्ग में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुराफाती होते हैं, कि जो लोग माहौल को ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उसमें हम लोगों का ये रोल होता है कि हम लोग नज़र रखते हैं, कहीं पर भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ दिखाई देती है तो उसको तत्काल जो है पुलिस को या जो भी खुफिया विभाग है उसको देते हैं। एक मांग हमारी है पुलिस प्रशासन से भी और नगर निगम से भी कि जहां पर भी कुर्बानी होनी है वहां पर देख लें, और जो भी जैसे वेस्ट मटेरियल उसका निकलता है तो नगर निगम उस वक्त उसको बहुत ही एक्टिव रहना है, ट्राली मौजूद हो और पन्नी के साथ मौजूद हो, पन्नी से पूरी ढक करके ले जाए उस चीज़ को कि रास्ते में कहीं पर भी इसका 1% भी कोई भी चीज़ नीचे ना गिरे और किसी को भी इसकी वजह से कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। कुर्बानी होनी है या कुर्बानी की जगह जो कि गिनती गई है
जहाँ पर कुर्बानी होती है वहाँ पर भी पूरी सभा साफ सफाई की पूरी पूरी व्यवस्था की गई है। कहीं भी कि अगर आप कहीं पर बिजी हैं, अगर आप कहीं कोई काम कर रहे हैं अपना, तो अगर आपको कोई फोन कर रहा है, इससे पहले भी मैंने कहा था, तो फिर रिटर्न उसका हुई कि हम हो सकता है कि कोई ऐसी घटना हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हम आपको ही सूचित करना चाहते हों और आप ही को बताना चाहते हो, बताना चाहता हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जब भी बिजी खाली हो, जब कोई भी चीज़ हो, तो फिर कॉल बैक ज़रूर करें। और हम सब लोग आपके सारे लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, कहीं पर भी इंशाल्लाह कोई बात नहीं होनी है। और अगर कहीं कोई बात होती है, कोई खुदा न खास्ता कुछ होता है, तो उसकी तत्काल सूचना आप लोगों को उन पर सर पार्टन लोगों का लगाई जाती है। और हर वर्ष की बात की इस वर्ष भी जो भी हमारे टीम डिवीजन है सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारे बहुत ही पुराने जिला शांति सद्भावना समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर अजीज साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनको चाहेंगे कि वो भी सबसे पहले वो बोले, उसके बाद से पेश करें। तमाम सीनियर ऑफिसर्स, दोस्तों और साथियों, ये साल के साथ ये एक्सरसाइज होती रही है कि जब भी कोई, लेकिन कई दफ़ा ये एहसास हुआ कि मीटिंग होना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी कुछ मामला ऐसे रहते हैं सड़क के और नाली के और डाल के साल बसाल उभर के सामने आते हैं और सडनली एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो इसलिए ये मीटिंग, पहले तो ये मेरा कहना है कि मीटिंग बहुत ज़रूरी है, बुलाई जाया करें और लोग आए, और जिनको कहीं से भी थोड़ा बहुत भी शुभा है परेशानी का, वो अपनी बात यहाँ रखें। यकीनन ऑफिसर्स चाहेंगे कि पीसफुली जो भी त्यौहार वो उतर जाए, और इससे पहले कि त्यौहार आए और चला जाए, मैं आप तमाम लोगों को उसकी मुबारकबाद देता हूँ। सर, बैंक तो हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे, मतलब इधर की लगातार कुछ बदतमीज लड़के डाक थे, सौ में भी होते हैं डाक बदलापुर समाज करते हैं, तो वो डाक दीवार में कुछ रंग तोड़ना ये करना वो करना करते थे, हम लोग डाक मारते केंद्र प्रशासन से द्वारा या शासन द्वारा रहता है कि डाक का जो 15 साल से योजना रखता है कि हम भूसी जी को केंद्र रखने के लिए किसी ने शासन से प्रशासन से ये आदेश आया कि गाय की जो हमारी योगी वह स्वस्थ नहीं हुई, तो हम उन्होंने नमाज सड़क होती है, लेकिन हम लोगों ने आपका ख्याल रखा कि हम उस कदम से कदम जाकर शासन प्रशासन जाँच चले गए, तभी उन्हों को आराम मिलेगा, कोई दिक्कत होगी तो उसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये कोशिश जो व्यवस्था उसको उठाने के लिए तीन ही कार्य लगी है, हम ये कहेंगे अपने भैया जहाँ लगती है वो नगर निगम द्वारा पानी लगनी चाहिए, हर मस्जिदों पर नमाज होनी है, लेकिन ईदगाह में संख्या 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार की इलाही बार ईदगाह होती है, ये तो हमारी आपसे बात होगी सर, उसमें कहना जरूरी है एक बात, लेकिन रास्ता है नाली में ना फेंके और ना कूड़े में रखें, क्योंकि कूड़े पर आप रखते हैं तो दो दिन कूड़े द्वारा है जी हाँ व्यवस्था है, और जो ताली जाती है उसको प्लास्टिक से मतलब वो मरने को थोड़ा नहीं आता, रास्ते में कोई उसकी नजर ना पड़े, कोई सा खून ना करके स्वाद करे।